हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरजी खल्लर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल, वो है ऑटो स्पेस। और हमारा चैनल का मेन मोटो यही रहेगा कि हम लोग जो भी वीडियो या जो भी नॉलेज यहां से सीखेंगे वो बिल्कुल बेसिक लेवल का ही होगा। और वो बेसिक लेवल का मेरा ये मानना है कि अगर आप बेसिक लेवल में एकदम बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे तो आगे जाके आपको जो भी नया टेक्नोलॉजी मिलेगा या जो भी आप सीखे हैं उसके ऊपर जो भी इम्प्लीमेंट कुछ होगा वो आप इजीली समझ जाएंगे। तो हमारा ये मानना है कि मैं कंटिन्यू 20-15 साल से ये काम कर रहा हूं और मेरा ये मानना है कि अगर मैं बेसिक में ज्यादा स्ट्रांग रहूंगा, मैं ऐसे लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यू मैंने फेस किया जहां पे मैंने काफी नॉलेज भी गेन किया कि बेसिक स्ट्रांग रहने से कितना फैसिलिटी होता है या आगे जाके कोई भी टेक्नोलॉजी समझने के लिए कितना सुविधा होता है। तो बने रहे हमारा वीडियो के साथ। और आज हमारा मोटो यही रहेगा कि कैसे डिफरेंशियल गाड़ी में काम करते हैं, एज ए फाइनल ड्राइव हिसाब से कैसे डिफरेंशियल काम करते हैं। तो आज हम देखते हैं डिफरेंशियल के कैसे काम करते हैं। हमारा जो यहाँ से इंजन से जो पावर आता है वो पावर आके थ्रो क्लच, थ्रो गियर बॉक्स होके प्रोपेलर सेट होके एंड में डिफरेंशियल का टेल पिनियन में आता है। टेल पिनियन में पावर आने के बाद जैसा टेल पिनियन ऐसा घूमने लग जाता है तो वो ड्राइव देता है, एक राउंड व्हील को ड्राइव देते हैं। तो हमारा टेल पिनियन क्राउन व्हील का मेन काम यही है कि जो एक्सिस में ड्राइव आ रहा है उसको हॉरिजॉन्टली उसको ट्रांसफर करना है। मतलब ये जो ड्राइव है इसको 90 डिग्री में ट्रांसफर करना है हमारा ड्राइव को। जैसा वो कोई पावर आएगा टेल पिनियन में वो हमारा दोनों एक्सेल में 90 डिग्री करके पावर से, मतलब जो पावर आ रहा है उसको सप्लाई करेगा। जैसा सप्लाई करेगा हमारा क्राउन व्हील घूमने लगेगा, क्राउन व्हील के साथ हमारा जो एक्सेल का जो शाफ्ट फीट है वो एक्सेल शाफ्ट घूमने लगेगा। उसके बाद हमारा टायर भी घूमने लगेगा और गाड़ी आगे तरफ हमारा मूव होते रहेगा। यह बेसिक फंडा है जो कैसे हमारा इंजिन से जो डिफरेंशियल तक पावर आता है उसके बाद पावर कैसे ट्रांसफर होता है, दोनों एक्सेल में कैसे 90 डिग्री में ट्रांसफर होता है, ये हमारा बेसिक फंडा है। अगर हम गाड़ी एकदम सीधा चला रहे तो उस तरीके मतलब सीधा जब चलाएंगे गाड़ी उस टाइम हमारा जो ये जो ड्राइव सिस्टम है जस्ट टेल पिनियन क्राउन को ड्राइव देगा, क्राउन वो सप्लाई को दोनों तरफ से एकदम बराबर सब बांट देगा, बराबर दोनों टायर में बांट देगा वो थ्रू एक्सेल की जगह। तो गाड़ी हमारा आगे चल रहा है, गाड़ी आगे चल रहा है इसके लिए हमारा डिफरेंशियल की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट हमारा ड्राइव को ट्रांसमिट करना चाहिए। अगर हम ड्राइव को ट्रांसमिट करने करते करते अगर हमको ऐसा मोड़ना है गाड़ी को कोई भी साइड में, ऐसा गाड़ी को लेफ्ट साइड में हमको मोड़ना है गाड़ी को, तो उसी समय हमको डिफरेंशियल का जरूरत पड़ता है। डिफरेंशियल मतलब जो पावर हमारा टेल पिनियन में आ रहा है, टेल पिनियन होके जो क्राउन में आके 90 डिग्री एंगल में जा रहा है, मान लो 100% पावर हमको टेल पिनियन से क्राउन व्हील को मिल रहा है 100% पावर। ये 100% क्राउन व्हील क्या करता है दोनों एक्सेल में 50% करके बांट देता है। वही था वो डिफरेंशियल। अगर मैं समझने की कोशिश किया जो पावर हमको अगर 100% पावर आ रहा है तो वो दोनों एक्सेल में 50-50 करके पावर को बांट दे रहे हैं। अगर हमको ऐसा लेफ्ट साइड में या राइट साइड में टर्न करना है तो उस टाइम में एक ही काम करना पड़ेगा, वो है हमको यहाँ पे डिफरेंट पावर को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो हम अभी अगर आपको सीधा गाड़ी चलाना है उसके लिए डिफरेंशियल कोई जरूरत नहीं है। अगर हम डिफरेंशियल मतलब सीधा तो हमेशा गाड़ी चलाता नहीं है तो क्योंकि हमेशा गाड़ी को सीधा रोड तो नहीं मिलता है तो हमको लेफ्ट टर्न लेना, राइट टर्न लेना, बैक जाना, तो उसी समय हमको डिफरेंशियल का जरूरत पड़ता है। अभी आगे जाके हम देखेंगे जो डिफरेंशियल का अंदर जो एडजस्टमेंट या जो गियर के एडजस्टमेंट रहते हैं वो गियर हमारा डिफरेंशियल के अंदर कैसे काम करते हैं वो सिस्टम के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। जैसे हमको लेफ्ट साइड या राइट साइड टर्न लेना है, अगर हमको लेफ्ट साइड में टर्न लेना है तो ए टायर को कम घुमाना है, ए टायर को मैक्सिमम घुमाना है, तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट इसके अंदर इनबिल्ट किया गया है वो उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आइए जानते हैं डिफरेंशियल के बारे में। ये है आपको डिफरेंशियल का अंदर जो जो पूरा गियर के अरेंजमेंट रहते हैं उसका सारे बैकग्राउंड यहाँ पे निकाला गया है। अब पहले आप देख रहे थे जो पावर जो सप्लाई हो रहा है वो क्राउन व्हील थ्रो दोनों एक्सेल में आपको रिजिड पावर मिल रहा था, दोनों में 50-50 पावर मिल रहा था। अभी हमको पावर को डिफरेंशिएट करना है। जैसा मैं आपको पहले बताया जो अगर आप हाँ अच्छा उसके पहले मैं बता देता हूँ
ये जो क्राउन व्हील छोड़ी इससे जो डिफरेंशियल डिफ केस बोलते हैं, डिफरेंशियल केस है, उसके अंदर हमको टोटल 6 गियर के अरेंजमेंट रहते हैं। जो हमको दो बड़ा वाला गियर रहता है उसका नाम है आपको सन गियर, ये दो सन गियर रहते हैं जो दोनों एक्सेल दोनों सन गियर के अंदर ही फिट होते हैं। मतलब पावर जो एक्सेल तक जाता है क्राउन व्हील से सन गियर थ्रो होके एक्सेल मतलब एंड तक मतलब पावर सप्लाई होता है व्हील तक। अगर सन गियर छोड़ के और डीफ केस के अंदर और चार गियर है जो प्लेनेटरी गियर और प्लेनेटरी गियर भी बोल सकते हैं और नहीं तो आपको स्टार गियर बोल सकते हैं। उसका साइज सबसे छोटा है वो है ये लाल कलर का आपको दिख रहा है वो है आपको स्टार गियर। स्टार गियर चार है रहते हैं और ये हमारा पिक्चर में दो ही निकल गया और एक सामने रहेगा एक पीछे रहेगा, टोटल चार गियर रहते हैं। तो हम समझते जैसा आपको बताया गया है जो हम टर्निंग लेते हैं गाड़ी का तो उस समय हमारे जो डिफरेंशियल का जो गियर अरेंजमेंट है वो क्या काम करते हैं। चलिए जैसा हमको लेफ्ट साइड में टर्न लेना है तो हम गाड़ी को लेफ्ट साइड में टर्न ले लिया, तो लेफ्ट साइड में जैसा टर्न ले लिया तो गाड़ी का लेफ्ट साइड वाला जो व्हील है उसको ज्यादा घूमने का जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि हम राइट साइड को व्हील को ज्यादा घुमाने का, देखिए राइट साइड में इतना लंबा डिस्टेंस को घुमाना पड़ रहा है और लेफ्ट साइड में बस इतना ही डिस्टेंस घुमाना पड़ रहा है। तो अगर हम रिजिड ड्राइव मतलब रिजिड अगर पावर सप्लाई करेंगे 50-50 तो हमारा गाड़ी नहीं घूम पाएगा, उसमें क्या होगा हमारा गाड़ी का एक्सेल टूट जाएगा नहीं तो और कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम बहुत सारे आ जाएगा या क्राउन व्हील के अंदर कुछ टूट गया या डीफ केस के अंदर कुछ भी टूट गया सारे समस्या आ जाएगा। तो इसीलिए हमको एक काम करना है जैसे हम लेफ्ट साइड में हम गाड़ी को लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं मतलब लेफ्ट साइड में ड्राइव दे रहे हैं, हम ड्राइवर जो कमेंट दे रही है हमको लेफ्ट साइड में जाना है वो आगे वाले एक्सेल मतलब टायर को स्टीयर कर दिया लेफ्ट साइड में जाना है बोल के, तो लेफ्ट साइड में जैसा जाना है लेफ्ट साइड व्हील के ऊपर लोड रहेगा। जैसा ये अगर 25% मूव किया व्हील तो हमको मतलब मूव कराना है लेफ्ट साइड में घूमने के लिए तो इसको 75% मूव कराना है। तो हमारा ये टायर जैसे रुक गया जितना पावर कंज्यूम किया और जितना एक्सेस पावर मान लो 25% पावर कंज्यूम करके लेफ्ट साइड का टायर घूम गया और जो 20% बचा है वो आपको ये डीप केस के अंदर गियर थ्रो यहाँ चला जाएगा। तो टोटल 50+25 तो मिलेगा 75% पावर इसको मिल जाएगा, 75% पावर इसको मिल जाएगा मतलब यहाँ पे जो पावर एक्सेस हो रहा है वो पावर राइट साइड व्हील को ट्रांसफर करके फिर हम कोई भी गाड़ी स्टेयर करेंगे मतलब गाड़ी को मोड़ेंगे। अगर हमको राइट साइड में जाना है तो राइट साइड को टायर को कम घुमाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा राइट साइड टायर को कम घुमा के जितना हमको पावर एक्सेस होगा वो पावर को ये गियर अरेंजमेंट के थ्रू लेफ्ट साइड में व्हील में ला के उसको ज्यादा घुमाएंगे लेफ्ट साइड को और राइट साइड को कम घुमाएंगे तो वो गाड़ी लेफ्ट राइट साइड में मुड़ेगा। तो हम देखते हैं कैसे पावर ट्रांसफर होता है। जैसा नॉर्मल सिस्टम है जैसा गाड़ी आपको एकदम बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है तो पावर टेल पिनियन थ्रू क्राउन व्हील थ्रू आएगा और दोनों तरफ 50-50 बांट देगा पावर को 50-50 बांट दिया तो गाड़ी एकदम सीधा चल रहा है। उस समय क्या करता है ये जो स्टार पिनियन है वो स्टार पिनियन घूमता नहीं है क्योंकि हमको पावर डिफरेंशिएट नहीं करना है, वो स्टार पिनियन फॉल्स से आपको जो ये सन गियर है ये सन गियर के ऊपर ऐसा गोल गोल मूव होते रहेगा वो घूमता नहीं है, उसका कुछ फंक्शन काम पे नहीं आता है। जैसा हमको लेफ्ट साइड में टर्न करना है तो लेफ्ट साइड का व्हील कम घूमेगा और राइट साइड का व्हील को ज्यादा घुमाना है। तो हमको अगर लेफ्ट साइड का रुका दिया जितना पावर लेफ्ट साइड में एक्सेस हो गया उसको राइट साइड में ट्रांसफर, जैसा लेफ्ट साइड में पावर कम चाहिए तो लेफ्ट साइड का जो सन गियर है वो कम घूमेगा और जैसे सन गियर कम घूमेगा सन गियर के ऊपर उस टाइम ये जो स्टार पिनियन है वह स्टार गियर जो भी है ये इसके ऊपर सन गियर और स्टार गियर ये अपना एक्सिस में अपने आप घूमने लग जाएगा, ये अपना एक्सिस में ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा। तो हमारा लेफ्ट साइड का व्हील जितना कम मतलब जितना घूमेगा जो पावर एक्सेस होगा वो थ्रो स्टार गियर वो पावर को ट्रांसफर कर देगा आपको सन गियर को और सन गियर थ्रो चला जाएगा वो टायर में। तो जैसा ऐसे पावर स्टार जैसा हमारे इधर 20% पावर यूज किया बाकी 30% पावर बचा है तो सन गियर क्या करेगा वो अपने आप फिर अंदर से घूमने लग जाएगा लग के वो पावर को थ्रो सन गियर ऐसा बाहर एक्सेल को टोटल 70% पहुंचा देगा। अगर यहाँ पे 30% कंज्यूम हुआ तो और बाकी जो 20% बचा है वो डायन एक्सेल को भेज देगा। ये है आपका डिफरेंशियल का काम
और एक बार अच्छी तरीके से शुरू से समझ लेंगे हम लोग कैसे काम होते हैं। हमारा फर्स्ट आता है इंजन, जहाँ पे पावर डेवलप होता है या पावर जनरेट होता है। पावर जनरेट होने के बाद वो पावर आता है हमारा क्लच असेंबली में। क्लच असेंबली के बाद आता है हमारा गियर बॉक्स में। गियर बॉक्स के बाद आता है बीच में हमारा इंटरमीडिएट शाफ्ट या प्रोपेलर शाफ्ट में बोलते हैं उसको। प्रोपेलर शाफ्ट में पावर आने के बाद वो पावर डायरेक्ट टेल पिनियन में आ जाते हैं। टेल पिनियन में पावर आने के बाद उसको दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड करने के लिए उसको जो रिजिड पावर मतलब दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्राउन व्हील बीच में फिटेड रहता है। जैसे क्राउन व्हील में पावर आ गया, क्राउन व्हील का काम है दोनों तरफ पावर को 90 डिग्री एंगल में दोनों को बांट देना। पावर मतलब अगर 100% पावर आएगा तो इसका 50% इसका 50% बांट दिया, बस गाड़ी सीधा चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। जैसे हमको गाड़ी स्टीयर करना है या बाएं मोड़ना है उस समय क्या होता है, बाएं का टायर को कम घुमाना पड़ता है। बाएं अगर ऐसा मोड़ना है तो बाएं का टायर कम घुमाना पड़ता है। तो आपको ऐसा मोड़ना है तो लेफ्ट साइड में अगर मतलब दो टर्न हो गए और दाहिने साइड में उस टाइम 10 टर्न हो गए तो मतलब लेफ्ट साइड में आपको कम पावर कंज्यूम हो रहा है। मतलब अगर लेफ्ट साइड में 50% के अंदर अगर 30% पावर कंज्यूम हो रहे तो 20% पावर को थ्रो स्टार गियर डिफरेंशियल केस के अंदर जो स्टार गियर रहता है वो थ्रो स्टार गियर वो सन पिनियन को वो 20% जो एक्सेस जो लेफ्ट साइड का बचा है वो उसको ट्रांसफर कर देता है। तो उधर का पहले ऑलरेडी 50% पावर था और यहाँ का बचा वाला 20% पावर को और उधर दे दिया, टोटल हो गया 70% पावर। जैसे 70% पावर हो जाता तो डायने का व्हील तब ज्यादा घूम जाते हैं और लेफ्ट साइड का कॉमी घूमता है तो गाड़ी स्टीयर हो जाता है। वैसा ही डायने जब आप घुमाएंगे डायने भी सेम तरीके से स्टीयर होते हैं। और आप डिफरेंशियल ये जो असेंबली देख रहा है ये पूरा एक सिस्टम कंस्ट्रक्शन मतलब एक केस के अंदर ऐसा फुल रहता है और ये डिफरेंशियल केस के अंदर सब गियर को सारे गियर को लुब्रिकेंट के लिए डिफरेंशियल ऑयल या गियर ऑयल रहता है इसके अंदर। दोस्तों कभी कभी ऐसा परिस्थिति भी आता है जहाँ पे हम लोग मैक्सिमम मतलब बेसिकली ये कमर्शियल व्हीकल या ट्रक सेक्शन में आता है जहाँ पे हम लोगों को ये डिफरेंशियल का जो पूरा फंक्शन आपको समझाए ये फंक्शन को लॉक करना पड़ता है। तो वो कैसे लॉक किया जाता है, कौन सा सिचुएशन में आता है, उसको ओवरकम के लिए क्या प्रोसेस बनाए गए वो मैं आगे वीडियो में आपको जानकारी देते रहूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना और उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जो मतलब जिन लोगों को ये जरूरी है जो मतलब ऑटोमोबाइल को अच्छी तरीके से जान सके जो जानना चाहते हैं उसके साथ जरूर शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना है। तो जो भी हमारा बाद में लेटेस्ट वीडियो आएगा मतलब ये सब मैटर लेके वो आपको तक जल्दी पहुंच जाएगा। थैंक यू।